स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप के बारे में सीखा था। आज हम लोग पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप्स एंड एडिटिंग ग्रुप के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ ग्रुप, जैसा कि नाम ही है पैराग्राफ ग्रुप, तो इसमें हम लोग पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, एक फंक्शन होता है रैंडम, RANDOM। ठीक है, तो जैसे ही आप करेंगे तो आपको तीन पैराग्राफ ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई बुलेट्स लगानी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने इस पैराग्राफ को सबको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम लोगों ने इस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा इस तरह से बुलेट लग जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई और बुलेट चेंज करनी है तो आप बाद में भी उस बुलेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी समझ में आए वो आप बुलेट लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बुलेट्स हटानी है तो आपको फिर से क्या करना होगा कि आप यहाँ पर नन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी बुलेट्स हट जाएगी। ठीक है, अगर आप पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कोई बुलेट्स लगानी है तो आप यहाँ से पहले से बुलेट्स आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जो भी आपको लिखना है, मान लीजिए एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ठीक है, ग्रेप्स, तो जैसे ही एंटर करते रहेंगे आपको बुलेट्स अपने आप ऑटोमेटिकली आती जाएगी। ठीक है, और आप बिना लिखे अगर एंटर कर देंगे तो वो बुलेट्स गायब हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर आपको बुलेट्स हटानी है तो फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर नन पे क्लिक कर दीजिए जाके, तो आपके वो बुलेट्स हट जाएंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ नंबरिंग लगाना, तो आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पर नंबर जो भी आप चाहते हैं नंबर वो लगा सकते हैं। ए बी सी डी चाहते हैं तो ए बी सी डी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से स्मॉल ए बी सी डी अगर चाहते हैं तो स्मॉल ए बी सी डी लगा सकते हैं। रोमन नंबर चाहते हैं तो रोमन नंबर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ आपने मान लीजिए 1 2 3 लगा दिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ और ऐड करना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जैसे ही एंटर करा तो वैसे 6 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने लिख दिया पी ए पपाया। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर आप वेजिटेबल्स लिखना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सपोज आपने लिखा ओनियन। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा टमाटो, यहाँ पर आपने लिखा पोटैटो। ठीक है, और अब आप यहाँ पर नंबरिंग लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर गए, आपने नंबरिंग लगा दी। ठीक है, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर जाइए, सेट नंबर लिस्ट पे चले जाइए, यहाँ पर आप सेट वैल्यू टू, जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आप मैनुअल नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैनुअल नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 टाइप किया आपने, डॉट लगाया, स्पेस दे दिया। जैसे ही आपने स्पेस देंगे वैसे ही आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सिंबल आपको बताएगा कि आपका नंबरिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फिर आपने कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ए बी सी डी लिखना चाहते हैं तो आपने कैपिटल ए लिखा, डॉट लिखा, जैसे ही स्पेस लिखाएंगे, ठीक है, तो फिर आ जाएगा आपका एम ओ यू एस ई, माउस लिखा सपोज, प्रिंटर लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहेगा। अगर आप स्मॉल में लिख के डॉट लगा देंगे तो आपकी स्मॉल ए बी सी डी चलने लगेगी, माउस, कीबोर्ड। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है, ठीक है, तब क्या करेंगे, सपोज आपको जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइसेस लिखनी है आपको। ठीक है, तो आपने इनपुट डिवाइस लिखा,
ठीक है। अब आप इसको मेजर हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आपने कैपिटल ए डॉट लिखा, स्पेस दे दिया। अब आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो ये तो बी आ गया, लेकिन आप इसके अंदर सब पॉइंट बनाना चाहते हैं तो टैब प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये टैब होने पर नंबरिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए इनपुट डिवाइसेस में माउस, कीबोर्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे लिखते चले जाएंगे वैसे वैसे आता चला जाएगा, ठीक है। माइक, ठीक है, ये आ गया। और अगर आप बिना लिखे एंटर कर दें, ठीक है, या फिर आप स्विफ्ट के साथ टैप कर दें, ठीक है, तो आप प्रीवियस हेडिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सपोज मान लीजिए आउटपुट डिवाइस लिख दिया, जैसे एंटर करेंगे सी आ जाएगा, टैप करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, प्लॉटर, ठीक है। फिर आप एंटर करेंगे तो प्रीवियस सेटिंग पर जाएंगे, फिर एंटर कर देंगे तो आपका नंबरिंग हट जाएगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ और बढ़ाना होता, ठीक है, तो यहाँ पर आपने मान लीजिए स्कैनर बढ़ा दिया, स्कैनर बढ़ा दिया। अब स्कैनर में बहुत सारे टाइप के स्कैनर होते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर फिर से टैप दबा दिया तो फिर से ही आगे सब पॉइंट बन जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सपोज लिख दिया OMR, MICR, है ना, OCR, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके सब पॉइंट बना सकते हैं। ऐसे ही प्रिंटर में आपने मान लीजिए बनाना है, आपने टैब दबाया तो यहाँ पर ही आ गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, DMP कर लेते हैं चलो, ठीक है, इंक जेट कर लेते हैं, ठीक है, लेज़र कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें सब पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट ले सकते हैं, पहले से ही आप डिसाइड कर चुके हैं इस तरह से लेना है या इस तरीके से लेना है, जो भी आपको करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसी फॉर्मेट में वो अप्लाई करता चला जाएगा। सपोज कुछ भी लिख लेते हैं, फिर एंटर करा, फिर टैप करा, देखिए ये आ गया, फिर टैप करेंगे इसमें सब पॉइंट बन जाएगा, फिर इसमें अगर सब पॉइंट बनाना है इसमें कुछ लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें ये आपकी चलती रहती हैं, ठीक है। तो जो भी पॉइंट बनाना है बिना लिखे एंटर करते जाएंगे, प्रीवियस लौटते जाएंगे, या शिफ्ट टैप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कर सकते हैं। फिर सपोज फिर से पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसका इंडेंट बढ़ाना है आपको, तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट डिक्रीज तो तब होगा जब आप इंडेंट बढ़ाएंगे, तो पहले इंक्रीज कर लीजिए, देखिए आपका शिफ्ट होता जा रहा है राइट साइड में, है ना, इंडेंट बढ़ता जा रहा है, और फिर आप इससे करेंगे तो डिक्रीज इंडेंट होता जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो अपने पुरानी पोजिशन पर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसका इंडेंट घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अभी आपका जो पहला पैराग्राफ है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है ऑन, और सेकंड पैराग्राफ है वो वाई से स्टार्ट हो रहा है यू, और थर्ड पैराग्राफ है वो टी से स्टार्ट हो रहा है टी यू, ठीक है। तो ना तो ये अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में, ना ये अल्फ़ाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पर जाएं तो पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देखिए पहले ओ आ गया, फिर टी आ गया, फिर वाई आ गया। इसी तरीके से अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लीजिए, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आप अगर इसमें एक चीज़ देखेंगे कि जैसे कि जब भी आप कोई चीज़ टाइप करते हैं उसके बाद एंटर करते हैं, ठीक है, या स्पेस देते हैं, ठीक है, या फिर टैप करते हैं, तो ये जो कुछ कीज़ होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वो हिडन करेक्टर दिखाई देने लगे तो यार यहाँ पर आप हाइट पे क्लिक कर देंगे, शो हाइट पे,
ठीक है, तो वो आपको दिखने लगेगा कि कहाँ पर आपने एंटर किया है, ठीक है, कहाँ पर आपने स्पेस दिया है और कहाँ पर आपने टैब का यूज़ किया है। अब देखिए आ गया है, जैसे आपने एंटर किया वैसे आपको ये शो करने लगा, जहाँ जहाँ स्पेस देंगे वहाँ पर ये दिखाने लगेगा। फिर से आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सब चीज़ें हट जाएगी, ठीक है। चलिए फिर से पैराग्राफ कर लेते हैं, इक्वल्स टू आर ए एन टी रैंडम फंक्शन से आपने तीन पैराग्राफ लिया है, ठीक है। अभी आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए तो आप देख रहे हैं लेफ्ट से ये अलाइन है, ठीक है, लेकिन राइट से देखिए अलाइनमेंट नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो अलाइन लेफ्ट होता है, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एल। अगर आप सेंटर में करना चाहें तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए सेंटर अलाइनमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया तो आपका राइट अलाइनमेंट हो गया। यहाँ पर आप कर देंगे तो ये आपका जस्टिफाई, ठीक है। जब भी आप मैगजीन वगैरह या न्यूज़पेपर देखते हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट कैसा होता है, जस्टिफाई होता है। दोनों तरफ से देखिए इक्वली बराबर हो गया, ठीक है। तो अब शॉर्टकट की से करना चाहें तो कंट्रोल एल कर देंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल ई कर देंगे तो सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल आर कर देंगे तो राइट हो जाएगा और कंट्रोल जे कर देंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो उनमें आगे होगा इस तरीके से सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये आता है आपका लाइनों के बीच स्पेसिंग, यहाँ पर आपका आ रहा है लाइन स्पेसिंग, ठीक है, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लाइनों के बीच स्पेस अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से लाइनों के बीच से, अभी आपकी अगर चाहते हैं कि वन करना तो स्पेस देखिए कम हो गई, ठीक है, 1.5 बाई डिफ़ॉल्ट थी, 1.15 आपकी बाई डिफ़ॉल्ट थी, ठीक है, 1.5 कर दिया तो आपने बढ़ गई, ठीक है, 2 कर देंगे तो और बढ़ जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे आपको लाइन की स्पेसिंग बढ़ानी है वो आप कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट की होती है, अगर कंट्रोल के साथ वन कर देंगे तो सिंगल स्पेसिंग हो जाएगी, कंट्रोल के साथ 2 कर देंगे तो डबल स्पेसिंग हो जाएगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग होती है वो 1.15 होती है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक और ऑप्शन आ रहा है आपका ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक है। अभी आप सेकंड पैराग्राफ पे हैं, अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं बिफोर पैराग्राफ तो देखिए स्पेस ऐड हो गई, ठीक है। रिमूव स्पेस तो रिमूव स्पेस हो जाएगी, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ तो देखिए पैराग्राफ के बाद की जो स्पेस है वो रिमूव हो गई, है ना। तो जैसा भी आपको चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। शेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शेडिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आप शेडिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो जो भी कलर आप शेड करना चाहते हैं वो आप शेड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जो भी आपको शेड करना है वो आप शेड कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा पैराग्राफ पे शेड कर देगा, ठीक है, इसको आप कहीं पे भी कहीं कर्जर रख लें और जहाँ पे भी आप करेंगे तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ शेडिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर वैसे के वैसा हो जाएगा, कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर वैसे हो जाएगा। मान लीजिए आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं बॉक्स टाइप का, ठीक है, तो वो आप आउटलाइन बॉर्डर लगा दिया आपने इसमें, ठीक है, तो ये देखिए आपको बॉर्डर बन गया, ठीक है। जिस भी पैराग्राफ पे आपको बॉर्डर लगाना था वो पैराग्राफ पे बॉर्डर लग जाएगा, हटाना हो तो यहाँ से नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पैराग्राफ ग्रुप, चलिए बढ़ते हैं स्टाइल ग्रुप के पास, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए जो स्टाइल होता है वो नॉर्मल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल स्टाइल में रहता है, ठीक है। अगर आप इस पर नो स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्पेस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सपोज़ आप किसी चीज़ को हेडिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए पैराग्राफ पैरा बन कर लिया आपने, ठीक है, इसको आप हेडिंग बन बनाना चाहते हैं तो आपने इसको क्या करा, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हेडिंग बन बन गई देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हेडिंग 2 तो उससे छोटी हेडिंग, हेडिंग 3 तो उससे भी छोटी हेडिंग बन जाएगी, है ना, सब हेडिंग्स इस तरीके से बनती चली जाएंगी, 4, 5, है ना, तो इस तरीके से हेडिंग बन जाएगी। यहाँ से भी आप हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, हेडिंग 6 बन गई, है ना, इस तरीके से आप स्टाइल उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल तरीके से बनाना चाहते हैं तो टाइटल देखिए, टाइटल एक लाइन भी खींच गई और टाइटल बन गया आपका, है ना। सब टाइटल की तरह करना चाहते हैं तो सब टाइटल की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट में स्टाइल इसका बदल जाता है, अलग अलग स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चेंज स्टाइल में क्या है कि आप यहाँ से कुछ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, देख रहे हैं स्टाइल चेंज हो रहा है ना।
यहाँ से उसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं, ये आपका फॉन्ट वगैरह चेंज हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये आपका स्टाइल ग्रुप होता है। फिर आगे बढ़ते हैं फाइंड, यानी कि अगर आपको इस टेक्स्ट में से कोई भी वर्ड फाइंड करना है तो वो आप कैसे करेंगे, इसको शेडिंग हटा देते हैं, ब्लू कलर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेस एंड स्पेस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, फाइंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी वर्ड अगर फाइंड करना है तो वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए चेंज ढूंढना चाहते हैं, चेंज तो देखिए जहाँ जहाँ चेंज आया था वहाँ पर उसने फाइंड कर दिया आपको। ठीक है, हाईलाइट कर देता है, आपको पता चल जाता है कहाँ पर कौन सा वर्ड आप ढूंढ रहे थे वहाँ पर आया है। ठीक है, रिप्लेस, जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी वर्ड आप किसी चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। मान लीजिए चेंज को आप रिप्लेस करना चाहते हैं कन्वर्ट से। ठीक है, अब कौन सा चेंज करना, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर रिप्लेस इसको कर देंगे तो केवल वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ चेंज आया था वहाँ वहाँ वो आपका रिप्लेस कर देगा। ठीक है, कंट्रोल जेड कर दीजिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ उसने चेंज किया होगा वहाँ पर वो चेंज कर देगा। ठीक है, अब इसी में देखिए गो टू का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो गो टू पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कह रहा है कौन से पेज पर जाना है। अब क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है तो हम पेज तो दिखा नहीं सकते, तो लाइन पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, लाइन नंबर हमने 3 लिख दिया सपोज, गो टू कर दीजिए तो कर्सर आपका लाइन नंबर 3 में पहुँच गया। ठीक है, और अगर एक पेज इसमें और बढ़ा लें तो जैसे मान लीजिए कंट्रोल एंटर किया तो आपके ये 3 पेज हो गए। अब कंट्रोल जी करेंगे तो आपका गो टू खुल जाएगा। ठीक है, फिर पेज सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप पेज नंबर 2 कर लीजिए, गो टू कर दीजिए तो ये आपका पेज नंबर 2 पे पहुँचा देगा। है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड हो जाएगा, कंट्रोल एच करेंगे तो रिप्लेस करने के लिए आ जाएगा, कंट्रोल एच से रिप्लेस करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी चेंज करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सिलेक्ट आ रहा है, अगर सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो वो सब सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर हम कुछ क्या करते हैं, यहाँ पर हम PARA पैरा 1 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर PARA पैरा 2 कर लेते हैं, यहाँ पर PARA पैरा 3 कर लेते हैं। ठीक है, पैरा 1 को हम बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, यही सेम फॉर्मेटिंग हम पैरा 2 पैरा 3 पर लगा लेते हैं। तो फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करा, इस पर क्लिक कर दिया तो ये भी वैसे ही हो गया, ये भी वैसे ही हो गया। ठीक है, सेम फॉर्मेटिंग हो गया। अब मान लीजिए सपोज पैरा 2 पे हम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग सिलेक्ट पे आएंगे, बस यहाँ पर हम सिलेक्ट पे आएंगे और यहाँ पर यहाँ लिख देंगे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो देखिए केवल वही फॉर्मेट को सिलेक्ट करेगा जिस पर सिमिलर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, है ना। और कंट्रोल ए करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, देखिए, है ना, तो इस तरीके से आ रहा है आपको। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर हम लोग एक शेप इंसर्ट कर देते हैं, सपोज यहाँ पर हमने क्या करा, एक ही शेप इंसर्ट कर दी। ठीक है, और इसको हमने यहाँ से क्या करा,
सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी आप यहाँ जाएंगे देखिए इस पर सिलेक्ट हो रहा है लेकिन वो टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट हो रहा, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हटा देंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। कर्जर देखिए अंदर जाने लगा, वरना अदरवाइज प्रॉपर कर्जर जाएगा ही नहीं, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे तो ये आपका कर्जर अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अभी सिलेक्ट करने पर कर्जर अंदर नहीं जाएगा तो ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है आपका, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए एक से एक और आपने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर आप सिलेक्शन पिन पर गए, ठीक है। तो देखिए जो जो आपने शेप इंसर्ट करी थी वो शेप आपका आ गया, यहाँ से आप जिस शेप को चाहें उस शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपका सिलेक्शन पिन कहलाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, थैंक यू।